आज मैं बहुत ही कमाल के फोन्स बताने वाला हूँ, वो भी बजट में। मतलब कम बजट में बढ़िया फीचर्स, फुल पैसा वसूल इन 2024। इफ यू आर सर्चिंग अ बेस्ट फोन अंडर 8000 रुपीस, देन मैं हूं ना। फोन्स की लिस्ट शुरू करते हैं, चलो बात करते हैं। फर्स्ट फोन है ये हमारे पास, टेक्नो स्पार्क गो 2024। टेक्नो ने ये काफी कमाल का फोन लॉन्च किया है। ओके, फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, वेट है अराउंड 185 ग्राम एंड बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है। 8.6 मिलीमीटर की थिकनेस है। डिस्प्ले यहाँ पर काफी अच्छी लगाई गई है। IPS LCD डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, बट इसका जो पैनल है ना वो मैंने फील किया भाई थोड़ा सा ब्राइट है, जिसकी वजह से डे लाइट में यूज करने में कोई इशू नहीं होगा। डिस्प्ले के कलर्स अच्छे लगते हैं। 90 हर्ज़ की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। 6.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले है। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह हमने देखे काफी शार्प हैं, अच्छे लगेंगे। और इसकी डिस्प्ले भाई थोड़े से पंची कलर्स भी प्रोड्यूस करती है। एंड्रॉइड 13 मिलता है, पर बता दो देखो ये एंड्रॉइड 13 का फुल वर्जन नहीं है, ये गोई एडिशन के साथ आता है। मतलब कि एंड्रॉइड 13 के सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। एंड इस फोन में भाई आई फील के इनका UI भी काफी ठीक है, हालांकि ब्लोटवेयर मिलते हैं एक दो, ज्यादा नहीं है, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यूनिसोक की T606 चिपसेट है, अच्छी चिपसेट है, बजट वाइज मैं कहूंगा काफी अच्छी है। 1.6 GHz की क्लॉक स्पीड है। स्टोरेज टाइप भाई eMMC 5.1 दिया हुआ है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकाल देगा, गेमिंग वगैरह HD पर कर सकते हो, फ्रेम रेट से हाई करके HD ग्राफिक्स पर खेल सकते हो, लेकिन यहाँ ना थोड़ा बहुत लेग मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। बाय द वे मेरे पास ही 3GB रैम वाला वेरिएंट है, 4GB रैम का वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल है, वो अगर लोगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। पर देखो, मैंने इसको मीडियम सेटिंग्स पर भी चलाया था, तब मुझे परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिला था। इसके अलावा डेली यूसेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर देखो ये डायनामिक पोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि सीधा सीधा एप्पल में से कॉपी किया गया है। यहाँ पर चार्जिंग, बैटरी लो है, फुल है, एंड कॉलिंग के एनिमेशन आते हैं, और ये अभी तक तो काफी अच्छे से काम कर रहा है, कोई लेग वेग मुझे नहीं दिखा। और हाँ, इसका जो पीछे कैमरे का डिजाइन है वो भी काफी हद तक आईफोन की लुकिंग देता है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, बट ओवरऑल डिजाइन वाइज भी फोन अच्छा है। और हाँ, इसकी प्राइस भी बता दूं, इसके दो वेरिएंट्स अभी मार्केट में, 3GB रैम 64GB स्टोरेज एंड 4GB रैम 128GB स्टोरेज। 3GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस अभी मार्केट में जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है वो है 6700 रुपीस, हालांकि बैंक ऑफर्स भी होते हैं तो वो जरा खुद देख लेना। और इससे ऊपर जैसे जैसे ख्वाहिशें बढ़ाओगे प्राइस बढ़ती जाएगी। कैमरे की बात कर लेते हैं, देखो 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल वाइड लेंस है, साथ में 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस है। कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है, एंड प्रॉपर हमने इस फोन का रिव्यू भी किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। बाकी अभी मैं ये कुछ सैंपल से दिखा देता हूँ। तो कैमरा क्वालिटी कुछ इस तरह की मिल जाती है, जो कि मैं कहूँगा बजट को देखते हुए काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। हालांकि ह्यूमन सब्जेक्ट में मुझे कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत मिली है, कभी कभी ये फेस को थोड़ा सा ब्लर कर देता है, बट अदरवाइज वीडियोस फोटोज काफी अच्छी ले लेता है। ये वीडियो सैंपल भी है, वीडियोस में भी हमने देखा कि कलर्स ये काफी अच्छे रख रहा है, 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर देता है। एंड एक और अच्छी चीज मिलती है इस फोन में कि ये दो स्पीकर्स के साथ आता है, और इस बजट में ये पहला फोन है भाई जो दो स्पीकर्स दे रहा है। स्पीकर्स की क्वालिटी ओके 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है। डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, ये भी प्लस पॉइंट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, जी हाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है। तो ये दो तीन फीचर्स हैं काफी अच्छे टेक्नो ने डाले हैं, और इसी से सिमिलर में अभी नेक्स्ट फोन बताने वाला हूँ। और ये फिंगरप्रिंट भी हमने चेक किया, काफी अच्छे से काम कर रहा है। 5000mAh की बैटरी है, 10W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बैटरी बैकअप भी भाई हमने देखा 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल रहा है। सो ओवरऑल काफी अच्छा फोन है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। पर हाँ, अभी पिक्चर बाकी है, और भी फोन से हैं वो भी जरा देख लो, बाद में मत कहना बताया नहीं। ओके, नेक्स्ट है ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD। देखो ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे पिछले टेक्नो स्पार्क गो से, दोनों ही फोन से एक साथ लॉन्च हुए हैं। वैसे थोड़ी देर में इन दोनों फोन्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जो कि शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। 184 ग्राम वेट है, 8.5 मिलीमीटर थिकनेस है, बॉक्सी डिजाइन है, चार कलर्स अवेलेबल है, मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा था, देन मैंने इसे परचेज किया। 6.6 इंच की एक IPS डिस्प्ले है 90Hz की, जी हाँ ये अच्छी चीज है कि 90Hz की डिस्प्ले दी है, ऊपर से पंच होल भी है, जी हाँ ये भी बिल्कुल सिमिलर है टेक्नो स्पार्क गो से। यहाँ पर भी वही HD डिस्प्ले है, हालांकि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है ऑन पेपर तो दोनों फोन का सेम दिया हुआ है 500 nits, बट मैंने नोटिस किया कि इन्फिनिक्स के पैनल की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, ये उतना भी ब्राइट नहीं है जितना हो सकता था। अगर इसे टेक्नो से कम्पेयर किया जाए अदरवाइज ब्राइटनेस लेवल अच्छा है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, यूनिसोक T606 चिपसेट 12 नैनोमीटर की है, इसकी भी वही 1.6 GHz की अराउंड क्लॉक स्पीड होने वाली है। पर अच्छी चीज ये मिलती है कि UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। ओवरऑल हमने इसमें गेमिंग काफी अच्छे से हो जाती है। रात को मैंने सब्जी के साथ PUBG भी टेस्ट किया, और इसमें भी वही सेम चीज नोटिस हुई कि HD ग्राफिक्स पर ये थोड़ा सा लेग कर रहा था, बट बैलेंस करने पर, फ्रेम रेट से हाई करने पर भी ये लेग नहीं कर रहा था, और काफी अच्छे से तुम्हारे भाई ने गेम खेला, मजा आ गया। इसके अलावा नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं है, ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग काफी ठीक ठाक सी हो जाएगी, हालांकि ये कोई प्रीमियम फोन नहीं है कि एनिमेशन भी दे, बाकी नॉर्मली आपका काम हो जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन मुझे अच्छा लगा है। इसका एक ही वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है, 3GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है अराउंड 6000 रुपीस, बैंक ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं तो वो देख लेना। ओके, अब बात करते हैं कैमरे की, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से तो इसी के इंतजार में रहते हैं। तो देखो 13 मेगापिक्सल का वही वाइड लेंस है, साथ में 0.08 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी लेंस, और साथ में मिलती है फ्लैश लाइट जो कि काफी तेज है, क्योंकि इसमें भाई इन्होंने चार LEDs लगाई है, जो कि ना एक रिंग लाइट की तरह लगती है, तो ये भी बजट में बढ़िया चीज है।
फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है जिसके साथ भी फ्लैश लाइट दी हुई है। अब देखो ये कैमरा सिंपल से जरा देख लो, देखो ऑटो फोकस ये काफी ठीक ठाक सा कर लेता है। कलर्स हमने देखे काफी नेचुरल साइड ये कलर्स रखता है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता है। हालांकि इसके कैमरे में अलग से ब्यूटी मोड है जिसमें आपका थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर देगा फ्री में। ओके सो कुछ इस तरह के फोटोज आ जाते हैं। बाय द वे मैंने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD एंड टेक्नो स्पार्क गो 2024 दोनों का आपस में कंपैरिजन किया हुआ है, चाहो तो वो देख सकते हो। दोनों के कैमरे काफी ज्यादा सिमिलर है तो इस वजह से मैं कहूंगा इसका कैमरा बेटर है और बजट में ये काफी अच्छा कैमरा दे रहा है। हालांकि कैमरे की जो फीचर्स हैं वो कम है, चाहे डे लाइट हो लो लाइट हो दोनों में अच्छे फोटोज निकाल देता है। सिंगल स्पीकर मिलेगा ये इसका एक कौन से, और हाँ एक चीज जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि इसमें भी डायनामिक पोर्ट दिया हुआ है। जी हाँ, और ये भी सेम वही काम करता है जो कि हमारा पिछला टेक्नो स्पार्क गो कर रहा था, और किसी तरह की कोई दिक्कत कोई लेग वगैरह मुझे नहीं दिखाई, अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज मिलती है कि डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, यूएसबी टाइप सी 2.0, फिंगरप्रिंट साइड में चिपका सकते हो, ये भी एडवांटेज है। 5000 एमएच की बड़ी बैटरी है 10 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और हाँ ये रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, ये भी एडवांटेज है इसके पास। हालांकि रिवर्स चार्जिंग की बजाय फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी बढ़ा देते तो ज्यादा बेटर होता, पर चलो जो है सो है। ओवरऑल इन्फिनिक्स का ये फोन भी काफी बेटर है, प्राइस भी काफी कम रखी गई है, और आज की डेट में ये एक बहुत बेटर फोन है परचेज करने के लिए। पर हाँ पिक्चर अभी बाकी है, दो फोन और बताने वाला हूँ। ओके नेक्स्ट है सैमसंग M04। ये देखो काफी एक एवरेज सा फोन है, 188 ग्राम वेट है, थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है 9.1 मिलीमीटर, और ये आता है सैमसंग की फाड़ू ड्यूरेबिलिटी के साथ। हालांकि जो बॉडी है वो प्लास्टिक की ही है, स्टील या लोहे की नहीं है, पर फिर भी सैमसंग के फोन ड्यूरेबल तो होते हैं। PLS LCD डिस्प्ले इन्होंने लगाई है जिसमें कि 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलेगी। आई नो ये आपको कम लग रही होगी इन्फिनिक्स और टेक्नो को देखने के बाद, और बता दूं कि यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोच है, नीचे की 3 भी थोड़ी सी ज्यादा है, पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो देखो हीलियो P35 चिपसेट लगाई गई है जो कि मैं कहूंगा एक काफी अच्छी चिपसेट है, परफॉर्मेंस ये फोन काफी अच्छा निकाल देगा डेफिनेटली। मीडियम सेटिंग्स पर यहाँ पर भी पबजी वगैरह खेल सकते हो, हालांकि इन्होंने स्टोरेज टाइप को UFS नहीं दिया, वो चीज थोड़ी सी खटकती है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस ये फोन अच्छा निकाल देता है। मेमोरी कार्ड लगाने के लिए एक अलग से स्लॉट दिया हुआ है, दो वेरिएंट्स इसके मार्केट में अवेलेबल है, 464 एंड 4128। 464 की प्राइस आपके सामने है, खरीदने का मूड हो तो जरा बैंक ऑफर्स भी चेक कर लेना, नसीब अच्छा हुआ तो बैंक ऑफर्स भी मिल सकते हैं, और अगर ना मिले तो रोना मत, सबर करना, ऊपर वाला सबर करने वालों के साथ है। ओके मित्रों बात करते हैं कैमरे की, तो डुअल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ जो कि हेल्प करता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। वेल कुछ इस तरह के कैमरा सैंपल से निकाल देता है, सैमसंग का फोन हो तो कैमरे के ऊपर शक करना अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल मैं कहूंगा कैमरा सैंपल से काफी अच्छे निकाल रहा है, काफी नेचुरल फोटोज निकाल देता है, वीडियोग्राफी भी ठीक ठाक सी कर देता है, 1080p 30fps तक चला जाता है, ओवरऑल कैमरा भी ये अच्छा दे देता है। पर देखो सिंगल बैंड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 है, 5000 एमएच की बड़ी बैटरी है जिसे चार्ज करने के लिए आपको देंगे 15 वाट की फास्ट चार्जिंग, जिसे फास्ट कहना चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं पता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो अच्छा फोन है, ड्यूरेबल फोन है, 6.5 इंच की HD डिस्प्ले है, सैमसंग की ड्यूरेबिलिटी है और नाम है, कैमरा अच्छा दे देता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, चार्जिंग 15 वाट की मिलती है, पर यही देखो वही पुराना डिजाइन है, वाटर ड्रॉप नोच है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, साइड माउंटेड तो छोड़ो पीछे भी नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर से लड़ाई हो चुकी है, और सिंगल स्पीकर मिलेगा 3.5mm जैक के साथ। सो ओवरऑल कुछ इस तरह का फोन है सैमसंग M04, अच्छा लगे तो कंसीडर कर लेना, अब बाकी फोन्स भी देख लो। नेक्स्ट है पोको C55। इसके देखो 6128 वाले वेरिएंट की प्राइस है 7500 रुपए। देखो ये भी काफी अच्छा फोन है डेफिनेटली, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो इतना भी वेला नहीं हूँ कि कोई भी फोन उठाया और बकवास करना शुरू कर दी। हाँ अच्छे फोनों पर मैं बकवास करता हूँ, आई लाइक इट। देखो इसका डिजाइन ना तुम्हें अच्छा लगेगा, लेदर बैग के साथ आता है जो कि इस बजट में नहीं मिलता, और ऊपर से इन्होंने पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगाया है, इसका मतलब है कि भाई डिस्प्ले ड्यूरेबल है, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट भी इस फोन को रखा गया है। रेटिंग नहीं बताई कि IP53 है, 54 है या क्या है, या बस हवाबाजी है, कंपनी बोल रही है तो मैंने भी बोल दिया, पानी में डालकर चेक करने वाला तो मैं हूँ नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वेल देखो यहाँ पर भी वही 6.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है, 90Hz की डिस्प्ले साइज है, थोड़ा सा बड़ा है, वाटर ड्रॉप नोच के साथ ही आता है, एंड जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह हैं काफी ठीक ठाक से हैं, हालांकि पैनल और ब्राइट हो सकता था। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखो चिपसेट है हीलियो G85, ये भी मैं कहूंगा एक अच्छी चिपसेट है, 2GHz अराउंड क्लॉक स्पीड है, EMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप है, परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक सा ये निकाल देता है, मीडियम सेटिंग पर पबजी वगैरह खेल सकते हो, इसके अलावा अलग से एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, 464 की प्राइस 6500 और 6128 की प्राइस 7500 रुपए। ओके अब बात कर लेते हैं कैमरे की, 50 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, जी हाँ 50 मेगापिक्सल्स काफी ज्यादा डाले गए हैं, हालांकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, 0.08 मेगापिक्सल का यहाँ पर भी ऑक्सिलरी लेंस लगाया गया है। कैमरा सिंपल से कुछ इस तरह के आते हैं, लाइट कंट्रोल ठीक ठाक सा कर लेता है, डे लाइट फोटोग्राफी हो या नाइट फोटोग्राफी हो ठीक ठाक सा एवरेज परफॉर्मेंस ये निकाल देता है, एंड यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 1080p 30fps, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है ये अच्छी चीज है, ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, फिंगरप्रिंट लेकिन मिलेगा पीछे की तरफ, साइड माउंटेड नहीं है, 5000 एमएच की बड़ी बैटरी मिलती है, 10 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है,
सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बजट में काफी अच्छा फोन है, लोगों को ये काफी पसंद आया है। और अगर हमारी बात करें तो कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, बाकी फोन अच्छा है। कमियां जैसे कि वाटर ड्रॉप नॉच है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड होना चाहिए था, और ये ना देखो माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे रहे हैं, टाइप सी पोर्ट नहीं दिया गया, ये भी एक कौन से है। और हाँ, ब्लॉटवेयर्स उनके बारे में तो क्या ही बात करना, मोटोरोला को छोड़कर सभी फोन्स में ब्लॉटवेयर्स दिए हुए हैं, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। तो देखो इस फोन में डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस और भी बेटर है और बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी, 10 वाट से काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, टाइप सी पोर्ट होना चाहिए था, पंच होल डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, ये भी होता तो काफी अच्छा लगता। वैसे आपके दिमाग में इन फोन्स के बारे में क्या चल रहा है जरा कमेंट कर देना। और हाँ, ये चैनल अभी न्यू है यूट्यूब पर, ऐसी ही ट्रस्टेड वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट मीन्स वही लाइक शेयर सब्सक्राइब, किडनी नहीं मांग रहा। ओके, नेक्स्ट है मोटो E13। मोटो मीन्स मोटोरोला, E13 मीन्स E13। देखो ये इंडिया में काफी ज्यादा सेल होने वाला फोन है, 2023 के स्टार्टिंग में ही ये आ चुका था। वेल इसकी बात करें तो देखो थोड़ा सा लाइट वेट फोन है, 180 ग्राम के अराउंड वेट है, एंड थिकनेस भी ठीक है 8.5 मिलीमीटर्स। प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है, कैमरे का डिजाइन कुछ इस तरह का है, ओवरऑल एक एवरेज सा डिजाइन है। मोटोरोला का कहना है कि भाई ये वाटर रेजिस्टेंट फोन है विद द आईपी रेटिंग ऑफ IP52। देखो 52 रेटिंग में डस्ट से तो प्रोटेक्शन हो जाता है, बट वाटर से ना कुछ नहीं होने वाला, थोड़े बहुत छींटे, मामूली से छींटे ये बर्दाश्त कर लेगा, बाकी पानी से पंगा मत लेना। कंपनी क्लेम कर रही है कि वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन है, पर उनकी बातों में आकर इसे पानी में डूबकी मत लगवा देना, इनकी बातों को इग्नोर किया करो। वेल देखो IPS LCD डिस्प्ले है 6.5 इंच की, ये भी HD डिस्प्ले है, फुल HD इस बजट में कोई नहीं दे रहा। एंड्रॉइड 13 मिलेगा, गो एडिशन के साथ मिलेगा, मतलब कि आपको काम चलाओ फीचर्स मिलते हैं, पूरे प्रॉपर फीचर्स एंड्रॉइड 13 के नहीं मिलेंगे। प्रोसेसर है वही यूनिसॉक T606 जो कि इन्फिनिक्स और टेक्नो में यूज किया गया है। EMMC 5.1 इसका स्टोरेज टाइप है। परफॉर्मेंस देखो ये भी ठीक ठाक सा निकाल देता है, नॉर्मली गेमिंग वगैरह कर सकते हो, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन अलग है। और देखो इसका रैम एंड स्टोरेज काफी इंटरेस्टिंग है, 2GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ भी इनका एक वेरिएंट है मार्केट में। जी हाँ, हालांकि 2GB में तो यार आजकल क्या ही होता है, अगर सिर्फ फोन उठाना और रखना है इतने से काम के लिए फोन चाहिए तब मैं कहूंगा कि आप इसे कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज कम से कम 4GB रैम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2GB रैम भी है, 4GB रैम भी है एंड 8GB रैम भी है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ इसकी प्राइस है 6,500 रुपए। कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, 1080p 30fps तक वीडियोस बना सकते हो। कैमरा क्वालिटी कुछ ऐसी है, ओके से फोटो दिए निकाल देता है। कैमरा मुझे कोई खास नहीं लगा, एवरेज हम कहेंगे। ये इसके डेलाइट फोटोज हैं, नाइट फोटोज हैं, देख सकते हो और आके सेक सकते हो। वैसे अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर मुझ पर थोड़ा सा प्यार आ रहा है तो प्यारी प्यारी सी कमेंट कर दो। वेल देखो यहाँ पर सिंगल स्पीकर है, हालांकि स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, 5000mAh की बड़ी बैटरी है और 10W की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। ओवरऑल मोटोरोला का ये फोन काफी बेटर है, ब्लॉटवेयर ना के बराबर है एंड इनका UI काफी क्लीन है, थोड़ा सा लाइट वेट भी है। और हाँ, अगर किसी को भाई थोड़े बहुत ही काम करने हैं, फोन उठाना है रखना है, बहुत ज्यादा कुछ फोन में नहीं करना, तो ये 2GB रैम के साथ भी आता है, उसे भी कंसीडर कर सकते हो। ओवरऑल यार देखो पांचों ही फोन के बारे में मैंने बता दिया, इनमें से दो बिल्कुल लेटेस्ट ही मार्केट में आए हैं, इन्फिनिक्स एंड टेक्नो, जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी। और अब अगर बात करो कि मेरा फेवरेट फोन इन पांचों में से कौन है तो मैं कहूंगा टेक्नो। जी हाँ, टेक्नो स्पार्क गो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा, कम बजट में काफी अच्छे फीचर्स दे रहा है, एंड सेकंड पर मैं रखना चाहूंगा इन्फिनिक्स। और बाकी देखो मैंने सभी फोन्स के बारे में अच्छे से खुलकर बता दिया, जिसको जिस भी कंपनी के साथ जाना हो जा सकते हो, प्रोज एंड कौन से याद रखना और फ्यूचर में हमें भी याद रखना। और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, सजेशन चाहिए तो कमेंट करो, कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।